एक तरफा प्यार में पागल पांच कंपनियों की मालकिन ने एक टीवी एंकर को किडनैप कर लिया। जी हां, आपने सही सुना, क्राइम थ्रिलर मूवी जैसी लग रही ये अजीबोगरीब घटना हैदराबाद में हुई है, जहां 31 साल की एक कारोबारी महिला भोगी रेड्डी तृष्णा ने टीवी एक्टर प्रणव सित्सला को किडनैप कर लिया, लेकिन एंकर उसके चंगुल से किसी तरह से भागकर निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और महिला के चार फरार साथियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि तृष्णा पांच स्टार्टअप कंपनियों की प्रबंध निदेशक है, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है। उसकी दो साल पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए चैतन्य रेड्डी नाम के एक युवक से परिचय हुआ था। चैतन्य अपनी आईडी पर एंकर प्रणव की फोटो इस्तेमाल कर रहा था। चैतन्य को प्रणव समझकर तृष्णा पसंद करने लगी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चैट करना शुरू कर दिया। फिर चैतन्य ने अच्छे रिटर्न का वादा करते हुए तृष्णा से अपने बिजनेस में निवेश करने के लिए कहा, जिसके बाद उसने कथित तौर पर यूपीआई के जरिए चैतन्य को 40 लाख रुपए का भुगतान किया। लेकिन उसके बाद चैतन्य तृष्णा से कटने लगा। ठगे जाने का एहसास होने पर तृष्णा ने उस प्रोफाइल पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क किया, जो कि टीवी एक्टर प्रणव का निकला। उसने उन्हें बताया कि चैतन्य रेड्डी नाम के किसी अज्ञात शख्स ने उनकी फोटो इस्तेमाल कर मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी अकाउंट बना रखा है, जिसके बाद दोनों ने पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि प्रणव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो शौकिया तौर पर एक म्यूजिक कंपनी में एंकरिंग करता है। वहीं तृष्णा उस वक्त तक उसे इस कदर चाहने लगी थी कि उसने शादी का मन बना लिया था, इसलिए तृष्णा ने प्रणव की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसकी कार पर एक एयर टैग यानी कि GPS ट्रैकर भी लगाया था। वो उसके हर कदम पर नजर रख रही थी, लेकिन प्रणव तृष्णा से प्यार नहीं करता था। तृष्णा के बार बार आने वाले फोन से प्रणव तंग आ गया था और उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। बस यही बात तृष्णा को नागवार गुजरी और उसने प्रणव की किडनैपिंग का प्लान तैयार किया। उसने इसके लिए अपने ऑफिस में काम करने वाले एक और शख्स को अपने प्लान में शामिल किया और उसे 50,000 रुपए भी दिए। इसके बाद 11 फरवरी को तृष्णा ने प्रणव का अपहरण कर लिया और उसे अपने ऑफिस ले आई, जहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की, उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस के मुताबिक प्रणव ने तृष्णा के हर एक कॉल का जवाब देने की दुहाई दी। इसी बीच उसे भागने का मौका मिल गया और सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां पर उसने अपनी आपबीती सुनाई। फिलहाल प्रणव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस बाकी चार लोगों की तलाश भी कर रही है, जो कि किडनैपिंग में शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।